नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिष आचार आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2020 धनु राशि वाले जातकों का भविष्य के बारे में। तो धनु राशि वाले जातक कृपया इधर ध्यान दें। इससे पहले मेरा एक प्रेम भरा आपसे निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें मित्रों, और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे वीडियो उचित समय पर आपको मिल पाए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, समझते हैं धनु राशि मार्च 2020। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो धनु राशि का ये महीना बहुत ही उत्तम जाने वाला है। आप जहां भी कार्यरत हैं, जहां भी कार्य कर रहे हैं, वहां पे आपको सफलताएं मिलेगी इस महीना। हाँ, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपने साझेदारी करके रखी हुई है तो वहां पर सतर्क जरूर रहने की जरूरत है, अन्यथा वहां पर आप नुकसान पा सकते हैं। ये महीना स्वास्थ्य पे धन खर्च होने के संकेत नजर आ रहे हैं, अर्थात आपके स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, तो वहां पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो आप लोगों के लिए सुझाव है जहां भी ऐसी स्थिति बने वहां से दूर हट जाएं और अपने गुस्से पे नियंत्रण रखें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी अच्छा जाने वाला है, धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है। यदि वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इस महीना वो सफल हो सकते हैं। ये महीना प्रेमी प्रेमिकाओं और साथ में पति पत्नी दोनों के लिए बहुत उचित नजर नहीं आ रहा है। लाइफ में अड़चने आ सकती है, मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है, आपसी झगड़े झंझट हो सकते हैं, तो जितना हो सके सतर्क और सावधान रहें। आप लोगों के लिए उपाय है, शनि स्त्रोत का नियमित पाठ करें और गाय को रोटी खिलाएं। यदि ऐसा करेंगे मित्रों तो मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी और आने वाले अड़चने अपने आप कम होने लगेगी। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।